डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास टेन पे पेज 20 पे जो समझे गए हैं 27 टू 30 वो सम करेंगे। बच्चों 27 सम है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स, ये रोमन सिस्टम में दी गई है। बच्चों नंबर इन फॉर्म में वर्ड्स में लिखना है। तो डी ट्रिपल सी, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? डी ट्रिपल सी को बोलते हैं 800। ऐसे वर्ड्स में लिखना है बच्चों। इसका बी पार्ट है बच्चों सी डी एक्स। सी डी एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? सी डी एक्स इकट्ठा तो मिलेगा, लेकिन सी डी को बोलते हैं 400 और एक्स को क्या बोलते हैं? 10। तो ये हो गया बच्चों 410। जो कल टेबल दिखाई दी बच्चों उसको लर्न करना है, उसमें से देख के समझे इजीली। एम, एम को क्या बोलते हैं बच्चों? 1000। जिसको टेबल में लर्न हुई है टेबल में से देख के कर सकते हो, लेकिन वो लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में हमें आप करने पड़ेंगे सामना, एग्जाम में तुम्हें टेबल नहीं मिलेगी। डी है बच्चों ट्रिपल सी। ट्रिपल सी किसको बोलते हैं बच्चों? 300। ई पार्ट बच्चों डी ट्रिपल सी, डी ट्रिपल सी एक्स वी। डी ट्रिपल सी किसको बोलते हैं बच्चों? 800 को। डी ट्रिपल सी यहां तक हो गया 800, ये हो गया 10 और ये हो गया 5। तो टोटल क्या हो गया बच्चों? पहले इसको इंडियन सिस्टम में लिखना, इंडिया ब्रिक, ये 800 हो गया बच्चों डी ट्रिपल सी, ये हो गया 10 और ये हो गया बच्चों 5। तो ये टोटल हो गया 815। अब इसको वर्ड्स में लिखो बच्चों। एट हंड्रेड एंड 15। एफ पार्ट है बच्चों डी एल एक्स और 3। तो डी एल क्या होता है बच्चों? पता है डी एल क्या होता है? डी एल है ही नहीं, डी होता है 500 और डी एल क्या हो गया बच्चों? दिया ही नहीं टेबल में। तो डी एल, डी का मीन है इसका अलग से 500 और एल एक्स, एल एक्स होता है बच्चों 60 और ये है बच्चों 3। 500 प्लस 60 प्लस 3, तो ये बच्चों बन गया 563। अब इसको वर्ड्स में लिखना, फाइव हंड्रेड सिक्सटी थ्री। एफ तक हो गए बच्चों। जी पार्ट सी डी वी, सी डी वी। अब इसमें देखो बच्चों सी डी की वैल्यू है 400 और इसको क्या बोलते हैं? तो इसको आप अलग से लिखना चाहो तो लिख सकते हो 400 प्लस 5 क्या हो गया 405। अब इसको वर्ड्स में लिखो 405। x
एच पर है बच्चों सी एम एल सी एम एल सिक्स सी एम किसको बोलते हैं बच्चों को सी एम बोलते हैं नाइन अंडर को और एल किसको बोलते हैं बच्चों को फिफ्टी को और ये क्या है सिक्स जो टेबल में देखोगे इसमें लिखा होगा तो ये हो गया 956 और इसको वर्ड्स में लिखना है 956 आई पर बच्चों आई ने दिया है सी डबल एक्स सेवन सी एक्स है बच्चों कहीं सी कहीं नहीं सी का मतलब होता है 100 और डबल एक्स का मीनिंग होता है बच्चों 20 और ये है 7 तो ये हो गया 127 अब इसको वर्ड्स में लिखना है 127 ये बच्चों आपका 27 समय कंप्लीट हो गया ट्रिपल एक्स फोर प्लस सेवन अब ये ट्रिपल एक्स क्या होता है बच्चों 30 और ये क्या है 4 और ये क्या है बच्चों 7 30 प्लस 4 कितने हो गए 34 प्लस 7 अब ये इसको ऐड किया तो क्या आ गया 41 अब 41 को वापस से अगर ये उसमें लिखोगे रोमन में तो क्या लिखा जाएगा 41 को 40 का होता है एक्स एल और प्लस वन तो एक्स एल वन ऐसे लिखा जाएगा बच्चों को पहले हिंदी अरबिक में कन्वर्ट करो एड करने के बाद फिर वापिस रोमन में बी पार्ट है बच्चों ट्रिपल एक्स एट प्लस एट ट्रिपल एक्स किसको बोलते हैं बच्चों 30 ये 30 हो गया ये 8 हो गया इसको सीधा 38 लिख सकते हो 38 प्लस 8 38 प्लस 8 46 और 46 को फिर रोमन सिस्टम में लिखोगे तो 40 होता है बच्चों एक्स एल और 6 क्या होता है बच्चों सी पर एक्स सी प्लस एक्स एल एक्स सी प्लस एक्स एल एक्स सी क्या होता है बच्चों 90 और एक्स एल क्या होता है बच्चों एक्स एल होता है 40 जीरो में जीरो ऐड किया जीरो फोर में नाइन ऐड किया 130 को अभी रोमन में कैसे लिखोगे 100 को लिखते हैं सी और 30 को कैसे लिखते हैं ट्रिपल एक्स
फिर बच्चों आपका सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट, डी पार्ट का बच्चों सी डबल एक्स, सी डबल एक्स प्लस एक्स एल। सी डबल एक्स को क्या बोलते हैं बच्चों? सी डबल एक्स का सीधा कुछ नहीं मिलेगा, सी का मीनिंग है 100 और डबल एक्स का मतलब है 20, तो ये हो गया बच्चों 120। और एक्स एल क्या होता है बच्चों? 40। 120 में 40 ऐड किया 160, और 160 को बच्चों रोमन में लिखेंगे तो 160 क्या होता है? C। और 60 क्या होता है? 60 होता है एल एक्स। 100 का C हो गया और 60 का एल एक्स, तो बच्चों ये आपका 28 सम हो गया। अब 29 सम, बच्चों सब्ट्रैक्ट करना है, ए पार्ट है बच्चों इसका एल माइनस बी। एल क्या होता है बच्चों? 50। और बी क्या होता है? 5। 50 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 45। अब 45 को फिर रोमन में लिखो, 40 कैसे लिखते हैं रोमन में? एक्सएल। और 5 कैसे लिखते हैं? ऐसे। ये आपका सब्ट्रैक्ट हो गया। बी पार्ट है बच्चों एक्सएल माइनस बी, एक्सएल माइनस बी। एक्सएल को क्या बोलते हैं बच्चों? 40। और बी के क्या बोलते हैं? 5। 40 में से 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा? 35। अब 35 को फिर रोमन में लिखना है, तो 30 को कैसे लिखते हैं? ट्रिपल एक्स। और 5 को कैसे लिखते हैं? बी। तो ये बच्चों आपका ए और बी पार्ट हो गया। सी पार्ट है बच्चों एक्स एल माइनस एक्स, एक्स एल माइनस एक्स। एक्स एल क्या होता है बच्चों? 40। और एक्स क्या होता है? 10। 40 में से 10 क्या बच्चों? 30। और 30 को रोमन में कैसे लिखोगे? ट्रिपल एक्स। डी पर बच्चों सी डी माइनस सी सी, सी डी माइनस सी सी। सी डी क्या होता है बच्चों? 400। और सी सी क्या होता है बच्चों? 200। 400 में से 200 सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बचेगा बच्चों? 200। और 200 को रोमन सिस्टम में लिखोगे तो क्या लिखोगे? डबल सी। तो ये बच्चों आपका 29 सम हो गया। 13 सम, 13 सम बच्चों मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करना है बच्चों। इधर ए 10, बी 600, सी 900, डी एम ई एल, और इधर बच्चों 1000, सेकंड पे 50, थर्ड पे एक्स, फोर्थ पे सी एम, और फिफ्थ पे बच्चों डी सी। अब इनको मैच करना है बच्चों। 10 को देखो किससे मैच करोगे? 10 रोमन सिस्टम में ऐसे होता है, तो
ऐसे मिला देंगे बच्चों। 600, 600 किसको बोलोगे बच्चों बताओ, 600 होता है DC, तो 600 किससे मिल गया बच्चों। 900, 900 किसको बोलोगे बच्चों, 900 होता है CM, तो ये किससे मिल गया बच्चों। M किसको बोलते हो, 50 को नहीं 1000 को, M बोलते हैं 1000, ये 1000 से मिल गया। और L किसको बोलते हैं बच्चों, 50, तो ये L इससे मिला गया। ऐसे ही हमने नोटबुक में करना है बच्चों, ये आपके आज 27 to 30 सम कम्प्लीट।